जय जय हो जगदम, पुकारू सभा बीच में हम। माता हो तो विलंब क्यों यहाँ लगो लो देर। सारे स्वर्ग लोक में मच गई खलबली। हाई कोर्ट जब कि ऐसा बनाया गया, न्यायाधीश जग कई सब होला पेशकार बने। पुकार करता नारद मुनि को बुलाया गया। राम रावण की फायल हुई बेसगी, पूरे जमकर मुकदमा चलाया गया। डिग्री किसकी होगी ये कवन जानता, सूर्य सुर ऋषि मुनि को बुलाया गया। मेरे साथियों, ये बात उस समय की है जिस समय भगवान राम और रावण इस धरती से अपना चोला बना छोड़ करके धरती से स्वर्ग लोक में गए। वहां देवों के बीच में एक कोर्ट बनी और रावण राम से मुकदमा चलाया गया। एक कोर्ट बना, वो देवों का कोर्ट था, उसमें ऋषि मुनि सुर असुर सभी बुलाए गए थे और सभी के मन में था, रावण पक्ष था कि ये जीते इनकी डिग्री होगी, और राम के पक्ष में जो लोग थे वो सोचते कि इनकी डिग्री होगी। आ वही कव्वाली का टुकड़ा है। अरे मैंने सुना है मैं खाने का, अब नाम बदलने वाला है। आतोड़ी के ढक्कन रख दो सामने, नाम बदलने वाला। राम पक्ष जब रावण पक्ष के हाहाकार हुआ इंद्रासन, देवों में खुशहाली है। राम पक्ष जब रावण पक्ष के सभी बजाते ताली है। कि उस हाई कोर्ट में स्वर्ग में ये धरती से कौन कौन महानुभाव जा रहे हैं। अवध के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ज्ञानी जाते, अवध के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ज्ञानी जाते, सुन संदेश जिस स्वामिंत्र तूफानी जाते। अगस्त लोमस, अगस्त लोमस श्रृंगे ऋषि भी महान चले, विपिन से वाल्मीकि वीर भी हनुमान चले। कहीं पे तीर कहीं गदा का टंकार हुआ, कहीं पे तीर कहीं गदा का टंकार हुआ, गुरु वृक्ष पर शुक्राचार्य का प्रहार हुआ।
क्योंकि गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य रावण की तरफ से वकालत कर रहा था और गुरु बृहस्पति देवताओं का शो के लिए कर रहा था। इधर असुर गण और देवताओं में क्या था कि न्यायाधीश का केवल न्याय सुना दे कि किसकी डिग्री होगी। अरे न्यायाधीश का न्याय सुना रहा मात्र यही अब खाली है, और राम पक्ष जब रावण पक्ष से सभी अब जाते खाली है। यहां विरह का टेरी लग गया। अरे सराहिया के माता जानकी, अरे सराहिया के माता जानकी, रावण किया के सवाल यदि हले गवाही। रावण किया केस बाली दिहले गवाही। यहां पर ककहरा मिलेगा और को से उठेगा, धौ से बंद होगा, बीच में अंग इया आड़ा तीन मात्रा कट जाएगा। कमला कंत कर तार खास जजलो विचार, यानी भोले बेसकार घूरे हार के सिया। चंचल रावण का वकील छली शुक्राचार जली, जाहिर पूछे मावकर से झारा झार के सिया। तब से कैसी ठहराए ठीक यरदली बुलाए, डोले राम रावण जाए ढपे ढार के सिया। कबले सुबले जा गई जाई, कबले सुबले जा गई जाई, थिरकत देती है गवाही, दोषी राम को बताई। दोषी राम को बताई धरे धार के सिया। सुपनखी आकर के कहती है क्या देवताओं की कोर्ट में बयान देती है, गवाही देती है, क्या कहती है, आ वही दर्ज देना पड़ा। अरे जतन नहीं हर हम बड़ा दुख दे लाज के लरह रजऊ, अब बड़ा मजा ले लाज के लरह। मोगी कहले बका भट्ठा के दारू पी के रोजे घरवा आवेला, रतिया के गांजा पी के बड़िए गरी आवेला, बनला छोड़ा वहां मकोम खेला खेला जाके लरा रजबू, बड़ा मजा ले लाजा के। इसी भाव में
सुपने खा हाई कोर्ट में तो उताव के सामने कहती है क्या कहने न काम को नो अच्छा हमरे संग हम आप कटो ननक यतनामा लक्ष्मण से पनामा कटो ननक यतनामा ए सुपलेखा कह रही है देवताओं के कोर्ट में कि भगवान राम हमसे क्या बोले, मैं शादी का प्रस्ताव किया ये ठीक है लेकिन क्या बोलते हैं भगवान राम, हमार भैले शादी बने लक्ष्मण भी रनावा जाय करके पूछ ले बोलहू से समानावा अरे सुप्रेखा बोलती है कि जब भगवान है राम है इनको मालूम है कि लक्ष्मण का भी शादी हुआ है तो उसी समय ये बोल देते कि हम दोनों भाई शादी शुदा हैं चली जाओ, ये नहीं कहते हैं, कहते हैं कि मेरी शादी हो गई है लक्ष्मण से पूछ लो। होकर भगवान भारी कहने तूफान भाग कटौने नपना होकर भगवान भारी कहने तूफान भाग कटौने नपना कनामा लक्ष्मण से बनवा कट देवता इस पर विचार ही कर रहे थे तब तक बाल आ गया बोलता है कि सरकार हम भी गवाही देना चाहते हैं। देवता सभी पैर में पड़ गए और बाली गवाही देना शुरू कर दिया। मेरे साथियों आतर्ज वही है, एक बनारसी स्टेशन पर गाड़ी लगी है और दोनों बेकत बैठे हैं गाड़ी ट्रेन में चढ़ने के लिए। आज तब तक उसका पति बोलता है कि मैं पानी लेकर के आता हूँ, आ घूम घूर कर पानी पी रहे है तब तक ट्रेन चल दिया। आ ट्रेन चल दिया, उसकी पत्नी कहती है क्या और पान पिया घूम गया सा टूटल हो राजा, अरे पान पिया घूम के आसा टूटल हो राजा, अब बनारस से गड़िया छूटल बाली हाई कोर्ट में आती हले गवाही। बाली महाराज क्या करें, बाली हाई कोर्ट में आती हले गवाही आले से मरण हम तब बनवा चलाई बाल को कहना पड़ा कि ये भगवान हैं, ये भक्त वत्सल हैं, मेरे भाई को मिला लिए और हमी को आंट से मारते हैं,
ये कोई भी काम आकर के धरती पर अच्छा नहीं किया। बालिका थे इन्हीं का सम्मुख ऋषि तपस्या कर रहा था और भगवान राम जाके मार दिए। हमें भक्त वत्सल भगत कल्याण जनावा निर्दोषी सम्मुख मरले परनावा। अरे कहीं न काम कौन देखा या छाई आले से मरने हम के बनवा। यह बयान बालिका हुआ तो रावण महाराज चले आए अपना बयान देने के लिए हाई कोर्ट में। और रावण क्या कह रहा है भाव पापट का है। और कोर्ट में आकर रावण जी जब बयानामा बनावा रघुवर के कटबौ ने बहनी के नकिया कनवा बनवा रघुवर। कटवाओ ने बहनी के नकिया कनमा बनवा रघुबर के। रावण का कहना है कि भगवान जब हैं ते कवला पर हाथ उठवाना नहीं चाहिए। मेरी बहन क्या गलती किया, शादी का मात्र प्रस्ताव किया। रावण कह रहे हैं कोर्ट में, अरे शादी का प्रस्ताव किया था, बहने सुना हमार हो, दोनों भाई शादी शुदा हैं, कह देते उस बार हो। स्टाफ कह देते कि हम दोनों भाई शादी शुदा हैं, तुम यहां से चली जाओ। रावण कहते हैं कि ऐसा नहीं किए, ऐसा नहीं बोले। ये बोले कि मैं शादी शुदा हूं, लक्ष्मण से पूछ लो। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये रावण कोर्ट में कह रहे हैं। रावण कहते हैं कि मेरी बहन इस पर गलती करती और दोबारा कहती, अरे दोबारा जो हरकत करती बनवा रघुवर के, आप खुद कटती सुबलेखा का गर्दन बनवा रघुवर के। यह सारा दास्ता, सारा हिसाब, सारा खिस्सा माँ जानकी भी देख रही है। आ माँ जानकी देखते हुए आकर के माँ सीता भी कोर्ट में बयान कर दिया। अल्लाह का वादा, अरे देख के तमाशा लैली सीता माँ समानवा बाबू। नकली सीता के भैले लंका में हरनवा दादा।
असल सीता जगहिली आगी में समा खूनवा बहावने बंदर भालू लगवा में भाई फिर नहीं असल ढेदर रहे ले बता सीता माँ का कोट में कहना है कि ये लंका में नकली सीता का हरण हुआ, असली सीता वो अग्नि प्रवेश हो गई और नकली सीता के कारण लंका में बंदर भालू लेकर के खून बहाए, सेना मरी, विनाश हुआ, लेकिन भगवान है कि एक बार बंदर भालू से नहीं बोले कि ये नकली सीता का हरण है। हाहाकार मच गया स्वर्ग में, तालियां पर तालियां बजने लगी। लास्ट विरह का प्रमाण है, खड़ी में कहना है क्या तैतीस कोट देवता बाबा आख हो गए सुन करके, और तैतीस कोट देवों का खत्म भैली संकवा। तब बाजल स्वर्गपुरी में रावण के पीछे का डंका, बाजल स्वर्गपुरी में रावण के विजय के डंकवा, हाहाकार मच गया। छानबीन और ताही कात में रावण जीत गई ने, अयसन गवाही गुजरल राम हारी गई ने। और खुशिया बना में असुर एक से एक पंकवा, अब बाजल स्वर्गपुर में रावण के पीछे देवताओं के हाई कोर्ट के मुताबिक रावण सुपर्णेखा रामी रावण सुपर्णेखा बाल बानन निर्दोषी, अब कोर्ट के मुताबिक राम भनन बनने भारी दोषी। डिग्री एक तरफा रावण का हुआ, राम जी हार गए स्वर्गपुरी में, तब रावण कह रहा है, राम से बात कर रहा है, क्या कह रहा है, अरे झूठे में विनाश हमर कहने लंकवा, अब बाजल स्वर्गपुर में रावण के विजय का। स्वामी गुरु बिहारी रमन बाबा रतन लाल का गाना, गंगा सागर मृत्युंजय पिंटू परदेसी लक्की जिगर भी बन गए दीवाना। अरे सराही तब माँ माता जानकी, अरे सराही आके माता जानकी, अरे मास्टर जी ने इसको मिल गए ज्ञान के सुराही, सराही या कैंसर।